बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स ओपन योर कंप्यूटर बुक, पेज नंबर 29। वी हैव बीन कंप्लीटेड द क्वेश्चन 1 to 7 ऑफ यूनिट नंबर 3। नाउ टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। फर्स्टली प्रिपेयर योर पेज, राइट द क्लास वर्क एंड डेट। यूनिट नंबर 3, नेटवर्क्स एंड मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट के अंदर आपने डिफरेंस बताना है। आप सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे इंटरनेट की हेडिंग देंगे, दूसरी साइड पे इंट्रानेट की। स्पेलिंग्स को मिक्स नहीं करना, इंटरनेट के स्पेलिंग चेक कर लें और इंट्रानेट के चेक कर लें। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इंटरनेट का ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स विद इन आर आउटसाइड द कंट्री। के डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान, वो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर होता है। और इंटरनेट का इसके मुकाबले में क्या डिफरेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन। कि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये डिफरेंस है। ये मुल्क के अंदर और बाहर होता है, ये बड़ा नेटवर्क है। और ये इंटरनेट क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के अंदर होता है सिर्फ। और सेकंड देखें, इंटरनेट कवर्स एन एरिया लार्जर देन वैन। वैन से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। वैन क्या था, वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब इर्द गिर्द के आसपास के थोड़े से इलाके के अंदर कवर होता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं। तो इंटरनेट जो है वो वैन से भी ज़्यादा बड़ा एरिया को कवर करता है। और इंटरनेट का क्या है, इंटरनेट यूजेस वैन, इंटरनेट वैन को यूज़ करता है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक ऊपर भी आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है या एक लिमिटेड एरिया के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 23 ऑफ योर बुक। हम हाफ रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट हाफ देखें। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो वीडियो वगैरह के लिए या उसके लिए एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया इज़ दी एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू कंट्रोल टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। तो मल्टीमीडिया क्या है कि कंप्यूटर के ऊपर काम क्या करता है, उसके अंदर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं और एनिमेशन मतलब कार्टूनिक टाइप आप कार्टून्स का काम कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया के अंदर है। फॉर अ कंप्यूटर टू बी मल्टीमीडिया रेडी इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड द अबव रिटन फैसिलिटीज़। तो मल्टीमीडिया के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कुछ ऊपर आपने पढ़ा है वो सारी रिटन फैसिलिटीज़ जो आपने इसमें पढ़ी है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिसके अंदर आपके पास ऑडियो के लिए स्पीकर, माइक्रोफोन और कैमरा वगैरह होना ज़रूरी है, उसी तरह इसके लिए ज़रूरत है। टू फुलफिल दिस कंप्यूटर हैज़ टू प्रोसेस साउंड, फॉर विच अ साउंड कार्ड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस साउंड। तो इन कंप्यूटर के अंदर ये काम करने के लिए, जैसे कि उसके अंदर आपने साउंड को सुनना है, उसकी साउंड की प्रोसेसिंग के लिए आपको के पास कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड एक होता है जिसके ज़रिए आप आवाज़ सुन सकते हैं, तो सॉरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सारा काम साउंड कार्ड के ज़रिए होता है। तो वो उसके अंदर काम का उस कार्ड का होना ज़रूरी होता है कंप्यूटर के अंदर। एंड स्पीकर्स टू हियर इट, और स्पीकर्स का होना ज़रूरी होता है उसको सुनने के लिए। ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस रिक्वायर लार्ज डिस्क स्पेस, फॉर विच अ सीडी रोम हैज़ टू बी देयर टू रन द मल्टीमीडिया फ्रॉम। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन मतलब वो जो आप कलरफुल आपको चीज़ें नज़र आती हैं, या एनिमेशन जैसे कार्टूनिक टाइप कुछ, या कलरफुल जो सारा रिकॉर्ड वीडियोस वगैरह होती हैं वो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर के अंदर सीडी रोम का होना बहुत ज़रूरी है। उसी की हेल्प से आपके पास चलेगा मल्टीमीडिया जो है, वो काफ़ी स्पेस होनी चाहिए उसके लिए। मल्टीमीडिया रेडी कंप्यूटर्स शुड प्रोसेस फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। मल्टीमीडिया कंप्यूटर के अंदर मल्टीमीडिया को चलाने के लिए उसमें बड़ी तादाद का मकदार का जो है रैम का होना ज़रूरी है, मतलब उसकी मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए। एज़ दी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ रैम टू दी ट्यून ऑफ 512 MB आर मोर, जिसके लिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस चलाने के लिए आपके पास रैम की काफ़ी मेमोरी होनी चाहिए, जैसे 512 MB या इससे भी ज़्यादा।
नेक्स्ट देखें, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन दी फॉलोइंग एरियाज, इन एरियाज में इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशनल पर्पसेस, मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए आप मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में LCD स्क्रीन्स होती हैं, उसके ऊपर वो लगा के अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं या लैपटॉप्स के ज़रिए वो करते हैं, तो उसके लिए ये मल्टीमीडिया का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक को प्ले करने के लिए, सुनने के लिए, प्लेइंग मूवीज़, मूवीज़ को प्ले करने के लिए, एंड प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने के लिए। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ वन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दैट मेक्स यूज़ ऑफ ऑल द अबव रिटन कंपोनेंट्स टू हियर म्यूजिक एंड वॉच मूवीज़। मल्टीमीडिया जो है वो ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर ये आपके हर एक के कंप्यूटर के अंदर होता है। ये जब आप विंडो कम इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर, तो ये आपका विंडो कंपनी की तरफ से पहले से ही उसमें इंस्टॉल होता है, तो वो आप करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली ऑडियो सिस्टम भी चलने शुरू हो जाता है और वीडियो वगैरह भी। तो ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो है ये उसकी एक एग्जांपल है, जिसके अंदर आप ये सारे कंपोनेंट्स को के लिए यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक को सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 24 देखें, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब ये विंडो मीडिया प्लेयर जो आपको एग्जांपल दिया है, जो विंडो के अंदर आपके इंस्टॉल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ यूज्ड टू प्ले ऑडियो CDs, विंडोज़ साउंड फाइल्स, वॉच वीडियो CDs एंड एजुकेशनल CDs एंड DVD मूवीज़ के। आप इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर के अंदर आप ऑडियो CDs को प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं, विंडोज़ साउंड फाइल्स जो भी रिकॉर्डेड फाइल्स होती हैं आपके साउंड्स उसको सुन सकते हैं, वॉच वीडियो CDs आप CDs को के ज़रिए वॉच कर सकते हैं वीडियोज़ को, एजुकेशनल CDs जो लेक्चर्स की वीडियोज़ होती हैं उनको अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं, DVD मूवीज़ और मूवीज़ भी देख सकते हैं। इट हैज़ गॉट वेरियस कंट्रोल टू फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, स्टॉप एंड पॉज द फाइल प्लेइंग। तो इसके अंदर कुछ कंट्रोल बटन होते हैं इसके अंदर, जिसके ज़रिए आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब तेज़ी से आगे कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ ले जा सकते हैं वीडियो ऑडियो जो भी आप देख रहे हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं जो फाइल प्ले की हुई है आपने। स्टार्टिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर, फॉलो दी स्टेप, उसके स्टेप्स क्या हैं स्टार्ट करने के, या आप अपने अपने कंप्यूटर्स में आज ट्राई कीजिएगा। ये सब कंप्यूटर्स में विंडो के साथ इंस्टॉल होता है, तो आपको ये मिल जाएगा और आपको इसका इसे प्ले करना आसान हो जाएगा, समझ आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट स्टार्ट, स्टार्ट बटन जो ये वाला आपको नज़र आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स को आप ढूंढेंगे, ये ऑल प्रोग्राम्स, इसको जब क्लिक करेंगे तो उसके आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो उसके अंदर आप ये क्लिक करेंगे विंडोज़ मीडिया प्लेयर स्टार्ट पहले क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद विंडोज़ मीडिया प्लेयर को क्लिक करेंगे। ये देखें, पहले इसको, फिर इसको, और फिर इसके अंदर ये ऑप्शंस आएंगे, उसके अंदर से विंडोज़ मीडिया प्लेयर को क्लिक करेंगे। यू विल सी दी विंडोज़ मीडिया प्लेयर स्क्रीन एज शोन इन द फिगर, आप इसके पास इस तरह की फिगर में पिक्चर आ जाएगी। इन इंसर्ट एन ऑडियो CD इन टू दी CD ड्राइव, जो आपका CD प्लेयर है उसके अंदर जो CD ड्राइव होती है उसके अंदर आप कोई भी CD डालें, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो, चाहे किसी मूवी की हो, चाहे कार्टून्स की हो, कोई भी CD आप डाल लें। चूज़ दी ऑप्शन टू प्ले सॉन्ग्स फ्रॉम लेफ्ट पैन टू दी विंडो, जब भी आप डालेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से उसको प्ले कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो चाहे वीडियो है। तो आज के लिए इतनी रीडिंग काफ़ी है, और एक क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको करवाया वो आप होमवर्क भी करेंगे, उसको लर्न भी करेंगे और रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसका 5th स्टेप भी देख लें, यू कैन कंट्रोल दी प्लेइंग ऑफ दी सॉन्ग विद दी कंट्रोल बटन्स, ये कंट्रोल बटन्स हैं, इनके साथ आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जो CDs वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, इसके कंट्रोल बटन्स का यूज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।